Dear students, I welcome you all. Now we are starting new chapter, continuity, and after that we will also discuss differentiability. ये बहुत important chapter है बच्चों IIT JEE के लिए, और 12th में जो calculus वाला part शुरू होता है उसकी basically यहाँ से आपकी शुरुआत होती है. इसकी basics आपको जाननी चाहिए. तो सबसे पहले हम continuity को discuss करेंगे कि continuity होती ही क्या है, है ना. तो इसके डिस्कशन के लिए हमें बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो एनालिसिस करनी है. बिफोर दैट इट इज सूटेबल टू डिस्कस द होल थिंग विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ. ओके, तो जो एग्जांपल्स हैं ग्राफ की उसके जरिए कंटिन्यूटी समझना आसान है. सपोज कीजिए कोई वेरिएबल यहां पर है एक्स और यहां कोई फंक्शन है एफ एक्स, और हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं जो फंक्शन बेसिकली सपोज कीजिए स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है. द फंक्शन इज प्लॉटेड ओवर हियर बट एट दिस पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. ओके, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके आगे भी डिफाइन है, इसके पहले भी डिफाइन है. ये पॉइंट मैं बोलता हूं सपोज कीजिए x इज इक्वल टू a. तो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? बात को समझ लीजिए. फंक्शन प्लॉट करते वक्त लेमैन लैंग्वेज में अगर पेन हमारा पेज से या बोर्ड से उठ जाए तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. अब आप ये नहीं बोलेंगे कि गोला घुमाते टाइम नहीं उठा हमारा, है ना. इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की यहां पर वैल्यू ही नहीं है. तो इस जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ, हमारा पेन उठ गया, तो हम इसको बोलेंगे द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. ठीक है, या नॉट कॉन्टिन्यूअस. तो एनसी वी विल यूज फॉर डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉन या नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. ओके, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ओवर हियर. ओके, एक और दूसरी एग्जांपल देखते हैं. ओके, एक एग्जांपल सपोज कीजिए एक फंक्शन ऐसे चल रहा है और एक सडन शार्प चेंज ले लिया उसके स्लोप ने इस पॉइंट पर. सपोज कीजिए यहां पर x इक्वल टू a है ये. ओके, तो फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? फंक्शन यहां से चला था, यहां पहुंचा और फिर इधर की तरफ मुड़ गया, कहीं पर भी पेन हमारा उठा नहीं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है. अच्छा, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, वो भी बात कर लें. देखिए, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम उसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है. लेकिन बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं होते. तो कहीं पर भी ऐसी अगर शार्प टर्न आएगा, शार्पली ग्राफ मुड़ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, एनडी बोलेंगे. सो इट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो एक मोटी सी डेफिनेशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, ध्यान से समझिए. फॉर चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयर मस्ट बी नो ब्रेक, देयर मस्ट बी नो ब्रेक इन द इन प्लॉटिंग द कर्व. ओके, फंक्शन के कर्व को प्लॉट करने में क्या नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए. और एंड व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी में नो ब्रेक और नो शार्प. ठीक है, ये मोटी डेफिनेशन में बच्चों, इट इज नॉट एक्चुअली मैथमेटिकल डेफिनेशन, लेकिन ये एक शुरुआत में पहली सीढ़ी पे जब हम कदम रखते हैं कंटिन्यूटी समझने के लिए, तो ये दो बातें बड़ी काम आती हैं. दो बातें क्या हैं कि ब्रेक नहीं होना चाहिए फंक्शन को प्लॉट करते टाइम, कहीं भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए. फंक्शन को हमने ऐसे प्लॉट किया कि वो सडन स्लोप चेंज कर देता है अपना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस तो बोलेंगे लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है. अच्छा, अब आगे चल के हम कुछ और खास एग्जाम्पल्स को देखते हैं, है ना. सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन जो स्मूथ है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो फंक्शन कैसा है, ये
कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ये वाला फंक्शन, क्योंकि ना तो यहां पर कहीं ब्रेक आया ना यहां पर कहीं कोई शार्प आया। क्या बात समझ में आई? ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेके बच्चों आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सपोज कीजिए हम कोई पॉइंट फंक्शन की बात करते हैं, पॉइंट फंक्शन, इट इज पॉइंट, पॉइंट की वैल्यू यहां पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से समझिए। कंटिन्यूटी का जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कब नहीं होगा, वो ये है, द फंक्शन किसी पॉइंट पर, जब हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन क्या वेल डिफाइंड है यहां पर? हां, इट इज वेल डिफाइंड। ओके, ये कैसा है? वेल डिफाइंड है, यस इट इज वेल डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरहुड के फंक्शन की वैल्यू, नेबरहुड की वैल्यूज के बराबर होनी चाहिए। क्या नेबरहुड में फंक्शन वेल डिफाइंड है? नेबरहुड में फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। जब फंक्शन नेबरहुड में वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक भी नहीं करेंगे वहां पर, और इसी फंक्शन को क्या मान लेंगे, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन मानेंगे। ये सबसे पहली बात, तो कौन सा फंक्शन है? ये पॉइंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन। आमतौर से पॉइंट फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है यहां पर, सपोज कीजिए एक्स इक्वल टू वन पर यह वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू टू पर है, ये वैल्यू एक्स इक्वल टू थ्री है, तो ये पूरा फंक्शन है। ओके, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू वन, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू टू, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू थ्री, बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ वन, इन द नेबरहुड ऑफ टू, इन द नेबरहुड ऑफ थ्री। तो ऐसे फंक्शन कौन से फंक्शन है? ये पॉइंट फंक्शन, कई पॉइंट फंक्शन एक साथ मिले, तो ये बेसिकली कौन सा फंक्शन है? डिस्क्रीट फंक्शन है ये, ठीक है? कौन सा फंक्शन है? डिस्क्रीट फंक्शन। और याद रखने वाली बात है कि डिस्क्रीट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है? इसको हम हमेशा मानेंगे, एक्सेप्शंस केसेस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसको बच्चों नोट कर लिए, आगे जाके हम और ग्राफ भी समझने वाले हैं, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू मोर ग्राफ्स। सपोज कीजिए, है ना, एक ऐसा ग्राफ है, ओके, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये गोला बनाने का मतलब क्या होता है? गोला बनाने का मतलब ये होता है कि फंक्शन की यहां पर वैल्यू कितनी है पता नहीं, है नहीं कोई वैल्यू, बस समझ में आई, फंक्शन ने यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा है जिसने यहां पर वैल्यू दी और वो ये दी, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एट एक्स इक्वल टू ए द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, और जैसे ही हमने नेबरहुड की बात करी तो फंक्शन ने बोला हां नेबरहुड में भी मेरी वैल्यू है। नेबरहुड की वैल्यू के लिए हम इधर बढ़ेंगे तो वो कर्व में हम यहां पर आ जाएंगे, बात समझ में आई, और यहां से फिर ऐसे कंटिन्यूअस कर्व चलेगा। तो फंक्शन इज वेल डिफाइंड ओवर एट एक्स इक्वल टू ए, द फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, बट फंक्शन के नेबरहुड की वैल्यू क्योंकि डिफाइन थी और वहां तक जाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो एनसी विल बी मार्क ओवर हियर। क्या बात समझ में आ गई? ओके, इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा ग्राफ हो कोई, ओके, ऐसा ग्राफ सपोज कीजिए कि द फंक्शन इज डिफाइंड ओवर हियर। ओके, इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? डिफाइंड है एक्स इक्वल टू ए पर, सपोज कीजिए, और यहीं से फंक्शन इज ट्रेवलिंग दिस वे। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक अगर जाना है तो यहां से लेकर पहले यहां पर पहुंचेंगे, यहां तक फंक्शन डिफाइंड है और इसके नेबरहुड की वैल्यू लेफ्ट एलएचएल तो डिफाइंड है, बट आरएचएल
के लिए जाने के लिए डिफाइन तो है, जाने के लिए हमें कहां पहुंचना पड़ता है, ऊपर पहुंचना पड़ता है। तो फंक्शन इज अगेन नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के डिफाइन होने के लिए पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अब मैथमेटिकल इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट भी आप इसको नाम दे सकते हैं, कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट करने वाली बात है। क्या होती है, दैट लिमिट, लिमिट जब भी हम लिमिट लगाएंगे तो हम बेसिकली क्या चेक करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू कितनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ एट ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। क्या बात समझ में आई, ये क्या चीज है बच्चों, ये एल एच एल है। क्या मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूं, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एफ एट ए माइनस एच। ओके, क्या चीज है बेसिकली, ये एल एच एल है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या चीज है, ये फंक्शन की वैल्यू है ए पर, एग्जैक्ट वैल्यू। और ये क्या चीज है, लिमिट, सॉरी अब मैं लिमिट क्यों लिखूं, अब मैं लिखूं एफ एट ए प्लस एच। क्या बात क्लियर, ये क्या चीज है, ये आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करने वाली बात, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन की एल एच एल, फंक्शन की आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों बराबर होनी चाहिए एक बात, और ये सारी की सारी फाइनाइट भी होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे कि फंक्शन यहां पर भी इनफाइनाइट आ गया, यहां पर भी इनफाइनाइट आ गया, यहां पर भी, तो इनफाइनाइट फंक्शन, तो इनफाइनाइट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की कोई तुक नहीं है। फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए कहां पर, जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एल एच एल पर, आर एच एल पर और फंक्शन की उस जगह पर। ये दोनों कौन सी वैल्यूज है, एक ही वाली और ये एक ही वाली, ये बेसिकली लिमिटिंग वैल्यूज है। क्या कौन सी वैल्यूज है, लिमिटिंग वैल्यूज, ठीक है, ये की वाली और ये की वाली। और ये कौन सी वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बच्चों, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो जो एक्चुअल मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी के लिए वो क्या है, कि फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट लिमिटिंग वैल्यूज इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज इज इक्वल टू फाइनाइट है। अब दोबारा से हम रिकैप करते, रिवाइज करते, फंक्शन नेबरहुड में डिफाइन होना, अगर डिफाइन है तो लिमिटिंग वैल्यूज और फंक्शनल वैल्यूज, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और आजू बाजू की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, न सिर्फ बराबर होनी चाहिए बल्कि फाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन फंक्शन अगर नेबरहुड में डिफाइन ही नहीं है तो क्या करेंगे, अगर नेबरहुड में डिफाइन नहीं है तो फिर हम उसको इंटरवल से समझेंगे, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल, एट ए गिवन इंटरवल, तो वहां हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करेंगे और हम उस जगह पर फंक्शन को कंटिन्यूअस मान लेंगे अगर हमारा पेन नहीं उठा तो, ठीक है। अब उसको चेक करते हैं, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहीं पर एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, लगे हाथों, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा है जो यहां तक आया, यहां तक आया और यहां पर डिफाइन है ना, तो फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, हां है, ये बात याद रखिए। फंक्शन यहां पर नेबरहुड में लेफ्ट हैंड पे तो डिफाइन है, राइट हैंड पे डिफाइन ही नहीं है, तो राइट हैंड पे हम को कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि पेन उठा कि नहीं उठा। यहां फंक्शन वेल डिफाइंड है,
तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है। हाँ, यहां पर वेल डिफाइंड है। नेबरहुड में अगर वैल्यूज हैं तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारा पेन उठा कि नहीं उठा। अगर वैल्यू है ही नहीं तो कंटिन्यूटी चेक भी नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ लेट मी कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स, या इस टॉपिक को और कैसे बोलते हैं, कंटिन्यूटी इन ए गिवन इंटरवल है। बच्चों आपको दिख रहा है ये? यस, दिख रहा है। ओके, तो किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी, इसका मतलब वो गिवन इंटरवल में फंक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके, सपोज करिए फंक्शन ऐसा है, यहां पर फंक्शन वेल डिफाइंड है, यहां पर x इक्वल टू a, यहां पर भी फंक्शन वेल डिफाइंड है, यहां पर फंक्शन क्या है x इक्वल टू b है। तो द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और बीच में कहीं पेन भी नहीं उठा, तो ये फंक्शन यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। ओके, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, और ये बेसिकली कैसे होगा, क्लोज होगा। a से लेकर b तक फंक्शन डिफाइन है। याद रखिए कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा हम डोमेन के अंदर चेक करते हैं। तो दिस इज द डोमेन, द फंक्शन इज वेरिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, यहां पर क्या चल रहा है आपका, यहां पर एफ एक्स चल रहा है। अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझिए। इस पॉइंट पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहां पर आई होप कि आपके समझ में आ रहा है, यहां पर इसके राइट हैंड साइड में तो चेक करेंगे एलएचएल, और लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएल चेक नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है एलएचएल में। यहां एलएचएल में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बात समझ में आई। इस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे या वैल्यू चेक, वैल्यू को देखेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू को देखेंगे ही नहीं क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। व्हाट अबाउट दीज मिडिल पॉइंट्स, हां यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये कोई इंटरवल है x इक्वल टू p, तो इसके थोड़ा सा नेबरहुड राइट में दैट इज p प्लस पर, और नेबरहुड लेफ्ट में दैट इज p माइनस पर चेक करेंगे, और ये सारी वैल्यूज फंक्शन की बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आई तो समझिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूटी, फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, हाउ डू वी राइट इट, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ए प्लस, ठीक है, ए माइनस नहीं लिखेंगे, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ एट ए, बात समझ में। ठीक है, एल एच एल जो कि बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, फंक्शनल वैल्यूज के बराबर हो जाए, एंड फॉर चेकिंग लिमिट एट दिस पॉइंट, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू बी माइनस, यहां पर बी माइनस बोलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड में चेक करनी है हमको, ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट बी। ओके, तो ये लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यहां पर हमने क्या चेक किया,